एक बच्ची जिसका नाम सानिया वल्द मोहम्मद 30 दिसंबर 2019 से इस्लामपुरा गली नंबर 9 मुल्तान से लापता है। सानिया घर से मोबाइल फ़ोन में बैलेंस लोड कराने गई थी जो अब तक वापस नहीं आई। सानिया के सौतेले वालिद मोहम्मद अयूब का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहना था, इन्होंने सानिया की गुमशुदगी की FIR भी दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। मोहम्मद अयूब ने बताया कि सानिया की माँ अपनी गुमशुदा बेटी के लिए शदीद तशवीश में मुब्तला है। क्विक न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद अयूब का कहना था कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से, वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि वो किसी तरीके से भी हमारी बच्ची को बाजियाब कराएं। हम इस बच्ची के लिए बहुत परेशान हैं, इसकी वालदा का रो रो के बुरा हाल हुआ हुआ है, लिहाजा आपसे इल्तिजा है कि आप बच्ची को बाजियाब करवाएं। हम यहीं के हैं, वो अपने पापा के साथ गई थी मुल्तान, बैलेंस दलवाने गई थी, पीर का दिन था, वो अभी तक नहीं आई बैलेंस दलवा के। वजीर आजम से मुतालबा, हमारी बच्ची को बाजियाब कराओ। पूरा 1.5 महीना हो गया हमारी बच्ची नहीं आई है, 30 तारीख से गई हुई है, 30 दिसंबर से। हम चाहते हैं हमारी बच्ची वापस आ जाए, मुल्तान से गुम हुई है वो। लामा वलामा हर खबर से अपडेट रहने के लिए, खबरों सियासी या मुल्क के बुरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।